सो वेलकम बैक गाइज, फिर से आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ में वापस। तो आज की वीडियो भाई फिर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज जो कल मैंने वीडियो बनाई थी शाम को, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि एक वेबसाइट पे ये बताया गया है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जी हाँ गाइज, BGMI अपनी डाटा लीक कर रहा है, मतलब कि डाटा भेज रहा है डायरेक्टली चाइना को, ठीक है, मतलब चाइनीज सर्वर पर। तो उसमें भाई मेरे को काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले अपनी पिछली वीडियो में। चलो उससे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से वीडियो में नहीं सुनी। मैंने कभी भाई ये नहीं कहा था कि बैन, मतलब गेम बैन होना चाहिए या फिर कोई मेरे को प्रॉब्लम है गेम, सिर्फ मैंने भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। और उस वीडियो में आप सभी को बताया था कि भाई देखो ये कुछ आर्टिकल इस वेबसाइट पर ये बताया गया है, अपना ओपिनियन दो, ठीक है, उसमें। और भाई बहुत फर्क था उस वीडियो में, वैसे आप सभी गलत वे में ले गए, लेकिन चलो कोई ना। लेकिन आज की जो मैं वीडियो आप सभी को दिखाने वाला हूँ, इसमें भाई एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि क्या सीन था कल वाली वीडियो का और क्या रीजन था वीडियो बनाने का, मतलब कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल की डाटा सच में लीक हो रही है या सच है, या फिर कितना, मतलब कितने परसेंट ये सच है और कितने परसेंट ये झूठ है, और क्या वो न्यूज़ जो थी वो फेक थी या रियल थी। तो आज इस वीडियो में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा गाइस, पूरी वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। सो गाइस, उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन का एक मतलब आइकन आ रहा होगा, उसको जल्दी से उस बेल नोटिफिकेशन के पंख लगा दे, मतलब कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस रेगुलरली BGMI की वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया की, ठीक है। और गाइस ऐसा नहीं है कि पबजी मोबाइल लाइट को मैं भूल चुका हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसी पर भी आने वाली है एक दो वीडियो के बाद, उसमें बताऊँगा आपको इंडिया वर्जन आएगा BGMI लाइट का या फिर नहीं आएगा और क्यों आएगा, पूरा रीज़न के साथ बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले क्लिप देख लीजिए, जिसमें भाई बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई जो कल की वो न्यूज़ थी वो ज़्यादातर रियल नहीं थी, मतलब क्या उसमें, मतलब क्या चीज़ थी जो उसमें उसको मतलब रियल नहीं, मतलब फेक बनाती है। तो देख लो एक बार, क्लिप देख लो। बैन करो BGMI भाई, नहीं एकदम ही नहीं, इन लोग तुम लोगों को मिसयूज, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिससे तुम लोग भी भड़को और उन लोगों को भी आसानी हो BGMI को बैन करने के लिए। तुम लोग अगर छोटे छोटे चीज़ों को देख के अगर भड़क जाओगे तो वो लोग को इजीली बैन कर देंगे। ये देखो यहाँ पे वो लोग VPN यूज़ कर रहे हैं, जो इन लोगों को पता चल गया, ठीक है, जो इन लोगों को ऐसा लगा था सर हम लोग VPN यूज़ कर लेंगे और इनको पता नहीं चलेगा, ठीक है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लिटरली मतलब इन लोगों का दिमाग में नहीं है, एक छोटा सा चीज़ इन लोगों के दिमाग में नहीं है कि भाई मैं VPN यूज़ करूँगा तो VPN का ऊपर मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड के साथ साथ मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ तो VPN का लोगो ऊपर दिखेगा, मतलब इन लोगों को ये चीज़। सो गाइज एक चीज़ और है भाई, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ठीक है, ये तो चलो बात क्लियर हो गई कि मतलब गेम को बदनाम करने या फिर इसके लिए ये चीज़ हो रही थी, ठीक है, IGN पे आर्टिकल दिया गया, किसने दी, मतलब किसने कराया ये तो नहीं पता, लेकिन भाई एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, टेक्निकल गुरुजी ने भी इस पर वीडियो बनाई, उन्होंने भी स्क्रीनशॉट तक नहीं दिया कि ये फेक न्यूज़ है या कुछ, उन्होंने सिर्फ वीडियो बनाई, ठीक है, न्यूज़ दी अपने को, ठीक है, तो ये समझ में नहीं आई भाई, उन्होंने भी वीडियो बनाई, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स ने वीडियो बनाई है इसके ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आकर ये क्यों बोल रहे हो कि भाई तू फेक न्यूज़ दे रहा है, ये दे रहा है, भाई न्यूज़ फेक नहीं है, न्यूज़ रियल है, लेकिन मतलब आर्टिकल रियल है, न्यूज़ फेक है या नहीं है ये आपको देखना है, ठीक है। अब भाई मैंने सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था कल, और आज भी मैं देखो बता रहा हूँ आपको, ये न्यूज़ मेरे हिसाब से तो फेक ही है, क्योंकि भाई देखो अब क्लिप वगैरह आ गई है, और अगर ऐसी बात होती तो आप एक बार खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए क्राफ्टन इतना बड़ा रिस्क भाई क्यों लेता, अगर उनको मतलब उनको पता है यार कहीं ना कहीं से पता चली जाएगा वो डाटा लीक कर रहा होता तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता यार, ठीक है। ऑलरेडी उसने इतना ज़्यादा मतलब इतना टाइम हो गया कि गेम लॉन्च करना है यार उनको इंडिया में, ठीक है, और करके रहेंगे और गेम तो होगा ही लॉन्च भाई, ठीक है, इसको होने से कोई रोक नहीं सकता अब तो, ठीक है, तो इतना रिस्क वो क्यों लेता है एक बार आप खुद सोच के। और जहाँ तक है भाई अभी जो आपने क्लिप देखी उसमें भाई बिल्कुल क्लियर हो गया, उन्होंने VPN का यूज़ किया है, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि उस एप्लीकेशन से आप चेक कर सकते हो कि मतलब डाटा जो जा रहा है वो किस IP एड्रेस पर जा रहा है। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने टेस्ट वगैरह किया लाइव प्रूफ के साथ, तो कुछ भी ऐसा इशू नहीं आया, ठीक है। तो भाई आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरे हिसाब से गेम यार बैन अब तो नहीं होगा, मतलब दोबारा से तो बैन नहीं होगा और आ ही जाएगा अपना गेम, मतलब आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भाई क्राफ्टन भी मेरे हिसाब से क्लेरिफाई कर देगा इस पॉइंट, मतलब अपने पॉइंट को क्लेरिफाई कर देगा जरूर से जरूर। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मिलते हैं गाइस एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे, वंदे मातरम।